हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे घर में मम्मी बना रही हैं बेसन की सब्जी। तो यहाँ पे मम्मी ने चने की दाल और थोड़े से इसमें चावल मिक्स करके सुबह सोख करके रख दिया था। तो अब ये फूल चुका है, अब इसको हम मिक्सी में पीस लेते थोड़ा हैं। थोड़ा पानी इसको मिक्स करके डालना आप, ताकि ये पतला ना हो जाए। और इसमें मैं साथ में थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, बाकी तो मसाले के साथ मम्मी ऐड कर लेंगी। तो मैं ये पीस लेती हूँ। अब मम्मी ने कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें ये पीसा हुआ बेसन मम्मी भूनेंगी थोड़े देर के लिए। और इसमें मम्मी क्या मिक्स कर रही हैं? हींग, हाँ, नमक, और हल्दी। हल्दी, हलवा इसको भूनना है अभी। जैसा बना रहे। इसको आपको भूनना है अच्छी तरह से। ये हमारा बेसन भून के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मम्मी ने थाली में तेल लगा के रखा था, अब इसको इसमें फैलाना है और ठंडा होने देना है। इसको अच्छी तरह से फैला लेना, उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देना। और फिर आपको इसमें जिस शेप में आप चाहो उस शेप में काट सकते हो। जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है, तब तक हम मसाले पीस लेते हैं, जिसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च और हरी मिर्च। लाल मिर्च मैंने कलर के लिए ऐड कर दिया है, ताकि कलर आ जाए। अदरक है, लहसुन है, प्याज है और टमाटर है। प्याज थोड़ा कम रखना है और टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। बाकी इसमें थोड़े सूखे मसाले ऐड करूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा और काली मिर्च ऐड कर लिया है, अब इसको पीस लेते हैं हम। ये बेसन ठंडा हो चुका है, इसको मम्मी ने काट भी दिया है। आप चाहो तो किसी और शेप में भी काट सकते हो। अब इसको मुझे फ्राई करना है, चलो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो अब मम्मी बेसन को फ्राई कर रही हैं। इसको आपको पकौड़ी की तरह फ्राई करना है, जैसे आप पकौड़ी फ्राई करते हो वैसे ही फ्राई कर लेना है। ये सारा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसका ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये हमारा बेसन हो चुका है फ्राई। अब इसी तेल में हम ऐड करेंगे तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग। इन्हीं मसालों के साथ हम अपना पिसा हुआ मसाला भी ऐड करते हैं। फिर पिसे हुए मसाले ऐड कर चुकी हूँ मैं। अब इसी में आपको ऐड करना है हल्दी। ये कलर के लिए मैंने मिर्च ऐड किया है, गरम मसाला थोड़ा, सब्जी मसाला और ये गया धनिया पाउडर। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये हमारा मसाला भून रहा है। आपको बीच बीच में इसमें मम्मी दिख रही हैं, कभी मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये रेसिपी तो मम्मी की है, वो मुझे बता रही हैं और मैं वैसे ही फॉलो करके इसको भून बना चुका है। इसमें हम अब पानी और नमक ऐड कर देंगे। ये मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें। ये है बेसन का पानी, जो मैंने भुना था ना बेसन, उसका पानी है ये। तो ये भी इसमें ऐड कर देना है। और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखना आप, क्योंकि बेसन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए। अब इसको उबलने देते हैं अच्छी तरह से। ये जब पक जाएगा तब हम इसमें अपना पकौड़ी ऐड करेंगे। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम अपना बेसन ऐड करके और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकने देंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारी सब्जी हो चुकी है तैयार। इस रेसिपी में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मेरा वीडियो भी लंबा हो चुका है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।